अमेठी गौरीगंज कलेक्ट्रेट में परिसर भारतीय किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि अमेठी जनपद के गौरीगंज कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री सत्येंद्र दुबे के अगुवाई में दिनांक 14/3/2023 को विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी गौरीगंज और पुलिस अधीक्षक गौरीगंज को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री की प्रमुख मांगों में आवारा पशुओं से किसानों की फसल की ओरी बर्बादी और किसानों से विजिलेंस टीम द्वारा मनमानी बिजली वसूली और नहरों में समय से पानी का न आना प्रमुख मांगी थी। आपको ये भी बता दें कि धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन भानु संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार पांडे, संगठन की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गीता गुप्ता, रामेंद्र पांडे, राम कुमार वर्मा, राघवेंद्र मिश्रा, नंद कुमार पांडे आदि हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। अमेठी से अनिल दुबे की खास रिपोर्ट। आपका नाम सत्येंद्र दुबे है? जोर से बोलिए। मेरा नाम सत्येंद्र दुबे है, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान यूनियन जी। ये धरना प्रदर्शन जो यहाँ जिला मुख्यालय पे हुआ, किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं? इसमें मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, हमारे जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं जी, उनको पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके नाम FIR लिखी जा रही है जी। अगर वो अच्छे कामों में किसी नेक काम में जा रहे हैं जी, तो वहाँ ये लोग हमारी आवाज़, किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए जी उनके ऊपर FIR कर रहे हैं जी। जहाँ FIR हो रही है वो लोग एफिडेविट दे रहे हैं, उसके बाद में भी ये लोग एक तरफा जो है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। छुट्टा जानवरों का मुद्दा है जी। हर तहसील में जी आवारा पशु हजार हजार की संख्या में, कम से कम कहीं भी आपको 150 से कम की झुंड नहीं मिली जी। दिन भर किसान परेशान होता है और रात में जो है फसल को आते हैं छुट्टा जानवर बर्बाद कर जाते हैं जी। नहरों में पानी नहीं है जी। विजिलेंस टीम एक बिजली विभाग की यहाँ की है, हमें लगता है पूरे यूपी में इतनी एक्टिव विजिलेंस टीम नहीं है जी। हर जगह हर चौराहे पर हर जो है किसान घर में छापा डालो जी। उनसे उनके ऊपर चार्ज करो, दो दो तीन तीन पाँच पाँच लाख रुपए के बाद में धन उगाही जी, यही चल रहा है। और कई सारे मुद्दे हैं जिनको हम जो है ज्ञापन में लिख रखते हैं।